आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। तो देखिए, हमने ये करीब 1 किलो आलू लिए हैं, तो अब हम इनको उबाल लेंगे और उबालने के बाद फिर इनको ठंडे होने के बाद छील के फिर मसाला तैयार करेंगे। देखिए, हमने ये आलू उबाल के और ठंडे कर लिए हैं, तो अब हम इनको बारीक ऐसे कर लेते हैं, मैश कर लेते हैं। बारीक मैश करने के बाद हम मसाला तैयार करेंगे। हम आलू का पराठा मसाला पका के फिर तैयार करते हैं। कई लोग इसको सादा नमक मिर्ची से मिला के भी कर लेते हैं। देखिए, आलू को अच्छे से उबालना होता है, कच्चा रह जाएगा तो ढंग से मैश नहीं होगा। ये देखिए, और आलू को उबालते टाइम इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, इससे क्या है छिलका जल्दी से हट गया इसका। और आलू में नमक भी हो जाता है ढंग से थोड़ा सा। देखिए, इसमें जो मसाले डालेंगे देखिए इस प्रकार है। ये देखिए, हमने 4 हरी मिर्च काटे हैं और थोड़ा धनिया को दरदरा कूट लिया है ओखली में, और देखिए थोड़ी काली मिर्च कूट ली है, थोड़ी मोटी मोटी है ये। अब देखिए मसाले तैयार करते हैं। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया और इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी, क्योंकि पराठे में तो ज़्यादा हल्दी सही नहीं लगेगी। इसमें 1 चम्मच नमक भी डाल देते हैं। एक बार तेल को चेक करते हैं पका है कि नहीं। देखिए, तेल पक चुका है, तेल पक गया है। देखिए, अब आंच को कम कर देंगे, इसमें हरी मिर्च डालेंगे। दोनों डाल देंगे इसमें। अब इसको ढंग से पकाएंगे मसाले को। जो काली मिर्च कूट के रखे थे वो भी इसमें डाल देते हैं।
से देखिए मसाला पक चुका है। अब इसमें जो उबले हुए आलू थे उसको डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए चाहे तो गैस बंद कर सकते हैं। अब इसको मसाले में मिलाना है ढंग से। हम मसाला इसलिए पकाते हैं कि कच्चे मसाले नुकसान करते हैं, तो इसलिए हम पका के और फिर आलू को मिला के इसको टेस्टी बनाने के लिए ये बनाते हैं। ये देखिए ढंग से मिल चुका है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे करीब 10-15 मिनट के लिए। इसको प्लेट में डाल के रख देंगे, प्लेट में या बड़े बर्तन में, कटोरे में या किसी में भी। फिर इससे पराठे तैयार करेंगे। जब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं, ये हमने कटोरे में निकाल के अलग कर लिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे, जब तक हम आटा तैयार कर लेंगे और फिर हम पराठे तैयार करेंगे। देखिए हमने आटा लगा के तैयार कर लिया है और अब हम पराठे बनाएंगे आलू के। देखिए इसको आधे पार्ट में लगाना है क्योंकि इसको एक बार फोल्ड करना है ऐसे। अब इसको ऐसे फोल्ड करना है। और यहाँ भी आधे पार्ट में लगाना है।
पराठे घी से तैयार करेंगे, चाहे तो आप तेल से भी तैयार कर सकते हैं। देखिए ये देखिए दूसरा पराठा भी ऐसे तैयार किया आपने। अब इसको धीरे धीरे बेलते हैं। देखिए ज़्यादा लंबा नहीं करना है, नहीं तो मसाला बाहर निकल जाएगा। ये देखिए